असल अलमियाँ ये है कि जब क़ुरान सुन्नत की तलीमत के मुकाबले में कुछ मखसूस शख्सियात पेश की जाए और जब सहीफ़ा के मुकाबले में चुटकला और लतीफ़ा आ जाए जब हक़ का मैार बड़ी दस्तार करार पाए और जब दीनी कवायद पर दुनियावी फ़वाद गालिब आने लगें तो उस वक़्त मम्बर व महराब अब जबा वस्तार और, और, और मसंद इरशाद पर बैठने वालों की ज़िम्मेदारियाँ पहले से भी कहीं ज़्यादा हो जाती हैं जब माशरे में माकाला को ना देखा जाए बल्कि मन काला को तरजीह दी जाए जब तौफीक से तदहीक टकरा रही हो और जब बुरहान का जवाब बहुतान से दिया जा रहा हो तो उस जमाने में यकीन और ईमान की फसलों पर बिजलियों के गिरने के बड़े खतरात बढ़ जाते हैं जिस वक़्त के निसाबों में कुछ और है और आली जनाबों के पास कुछ और है जब खिताबों और किताबों का आपस में टकराव हो जाए सदाए महराब और माफिल किताब आपस में मुखालिफ हो जाए तो उस ज़माने में नस्ल नौ की रहनुमाई बहुत मुश्किल हो जाती है हमें बुज़ुर्गों के एतक़ और बुज़ुर्गों की औलाद के दरमियान एक खलीज नजर आए इल्ला माशा तो अब जिनके सहारे बचना हो यानी जब तबीब भी मरीज़ होने लगें तो उस ज़माने में फिर मिल्लत की कश्ती को किनारे लगने के लिए आहले हक की खसूस दुआओं की ज़रूरत होती है आज को इस तरह की सूरतहाल का हमें सामना है और इसका खुलासा आप इस मिसाल से समझ सकते हैं जैसे कोई हकीकी तौर पर इस्लामी सल्तनत हो और उसमें एक थाने के अंदर जो थानेदार है उसने अपने सिपाहियों को इस ड्यूटी पे लगाया हो कि तुमने डाकू पकड़ने हैं चोरी नहीं होने देनी जान हथेली पे रख कर भी तुमने पहरा देना है कि कहीं कोई वारदात ना हो जाए और सिपाही पूरी तरह मुसल्ला होकर जान हथेली पे रख के किसी डाकू को पकड़ लें कि जिससे पूरा मुआरा तंग था और उसको जब वो सिपाही गिरफ़्तार कर ले और सारे इलाके के लोग उसे दुआएं दे रहे हों कि कितना अच्छा ये सिपाही है और इसका कितना अच्छा किरदार है कि इसने फलाँ बदनाम ज़बाना डाकू जो था उससे हमें निजात दिलाई है मगर जब वो सिपाही उस डाकू को बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद कुर्बानियों के बाद अपनी जान को हथेली पर रख के और कई उस डाकू के कई गुमाशतों से जर्बें खा के उसको पकड़ के वो थाने में ले आए तो थानेदार उसको फौरन रिहा कर दे उल्टा उस सिपाही को नाराज होना शुरू कर दे कि तुमने तो इसे क्यों पकड़ा और उस सिपाही के खिलाफ एफ आई आर काटना ये अमल शुरू हो जाए और वो जो मुजरिम था उसको एजाज के साथ फिर उसी माहौल में छोड़ दिया जाए तो उस सिपाही के दिल पे क्या बीतेगी और उस माशरे के लोगों पर क्या बीतेगी कि जो शुक्र कर रहे थे कि डाकू पकड़ा गया जो शुक्र कर रहे थे कि अब हमारे माल महफूज रहेंगे जिन्हें ये उम्मीद थी कि इस डाकू को पकड़ने वाले को एजाज़ मिलेगा एवॉर्ड मिलेगा लेकिन जब उन्हें पता चला कि जो मुजरिम को पकड़ने वाला एक हीरो था सिपाही जिसने जान जोखों में डाल के ये काम किया उसे ही मुजरिम करार दे दिया गया है कि जब उस थानेदार ने भेजा था उस वक़्त उसके नजरियात और थे उसके ताल्लुक और थे और जब ये इतनी कोशिश के बाद पता नहीं कितना वक़्त लगा अब वापसी पर उस थानेदार का मजाज ही बदल चुका है वो उस डाकू को डाकू समझता ही नहीं कि जिससे जमाना तंग था तो आज इस तरह की सूरत हाल का हमें सामना है कि थानेदार के नजदीक डाकू डाकू नहीं रहा वो गामेशा जो सवारियां उतारते हैं, दाता साहब रामतल्ला के नाम पे बिठाकर उनका जुर्म जुर्म नहीं रहा बल्कि वो काबिल एजाज़ करार पाए हैं और जिसने इतनी देर खोज लगा के उनके सामने बंद बांधा था फिर उसे ही मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं अगर थानेदार ने ये किरदार अदा किया तो थानेदार के ऊपर भी तो उदे हैं रूहानी हुकूमत के अंदर तो सिपाही को घबराना नहीं चाहिए और ना ही मुआशरे के लोगों को आखिर थानेदार के ऊपर एक रूहानी डीपीओ भी है और उस पर एक गवर्नर भी है और फिर उस पर वजीर आजम भी है और फिर दरबार अलैहि सल्ला तक पहुंचने वाले सारे सोर्सेज भी हैं तो इस बुनियाद पर यकीनन इस चरागे रह गुज़र का भी खुदा तो है इसे भी मुस्तफ़ा की आल की शफकत ने पाला है ये मेरा हाथ भी पकड़ा है सैयद की वलायत ने मेरी पहचान में भी गौसे आज़म का हवाला है ना निकले कोई भी मेरी हिमायत में तो क्या गम है खुदा व मुस्तफ़ा के फजल ने मुझको संभाला है रवाफिज़ को जवाब देते हुए सयद सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताल की सदाकत के तहफ और सयदा सदीकबरा रदी अल्लाह तहा की सदाकत के तहफ़ के लिए रब़ुलजलाल के फ़ल और तोफ़ीक से आखिरी सांस तक इन शे पहरा देंगे और जितना भी बिगाड़ आया है अहल सुन्नत से बाहर जो हमले अहल सुन्नत पे किए गए और अंदरूनी तौर पर जिन लोगों ने सुन्नत के नज़रियात के ख़िलाफ़ किताबें लिखी तकरीरें कि हाँ वो किसी बड़ी गद्दी का सजादा नशीन हो वो कोई भी हो काफ़ी पहुँच चुकी हैं लेकिन आखिर मरीज जब ज्यादा हों तो फिर तृतीय इलाज ही ऑपरेशन ही किया जाता है तो इनशा अहल सुन्नत इतमान रखें अगर रब ने वक्त दिया तो इन शह सुन्नत व जमात के नज़रियात को जिस जिसने भी जिस अंदाज में भी ठेस पहुँचाई है हमल्ला तजल करम से रसूल पाक सल्लाम की निगाह इनायत से सयदा सिद्दीक कुबरा रजी अल्लाह ताल के फयूज़ बरक़ात से खलफ़ राशिदीन रजियल्ल्ह् तहुम की निगाह इनायत से वो तमाम मिलावट दूर करेंगे